हेलो एवरीबॉडी गुड आफ्टरनून वेलकम टू अन एकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी पी हिंदी दिस इज चंचल कुमार शर्मा और आधुनिक मध्यकालीन भारत के इस सीरीज़ में इस सेशन में आप सभी का स्वागत है जो डॉक्टर सतीश चंद्र की एनसीईआरटी हमारी इलेवेंथ की ओल्ड एनसीईआरटी चल रही है आज के सेशन में दिल्ली सल्तनत को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे पिछले सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के विस्तार के बारे में और मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली सल्तनत का विस्तार प्रारंभ हुआ गयासुद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक बहुत बड़ा साम्राज्य दिल्ली सल्तनत का स्थापित हो चुका था जो बंगाल से लेकर तो नीचे दक्षिण में तमिलनाडु मदुरई तक स्थापित था तो गयासुद्दीन तुगलक और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक मैंने आपको ये भी बताया अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार से बाज़ार में कीमतों पर नियंत्रण स्थापित किया वो भी हमने देखा हमने देखा किस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक ने अलग अलग नए नए प्रयोग किए पर वो असफल रहा उसने राजधानी परिवर्तित करने की कोशिश की वो भी असफल हो गया प्रतीक मुद्रा वाला भी असफल हो गया कृषि में उसने कुछ सुधार लागू करने की कोशिश की वहाँ भी असफल हुआ तो एक अभागा आदर्शवादी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इसके बारे में हम लोग पिछले सेशन में उसके प्रयोगों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं जो लोग नए आए हैं जिन्होंने अभी वो सेशन नहीं देखा तो प्ले में जाके वो पुराना वाला सेशन एक बार देख ले आज के सेशन में बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के पतन के बारे में उसके विघटन के बारे में मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में जो अगला सुल्तान था वो था फिरोज शाह तुगलक फ़िरोज तुगलक के नाम से आप जानते हैं फिरोज तुगलक के काल में दिल्ली सल्तनत का तेज़ी से विघटन हुआ पतन हुआ और एक समय फिरोज के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली सल्तनत को एक जुट रखने की हो गई उसके विघटन को उसके पतन को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती उसके सामने साबित हुआ इसी के साथ हम देखेंगे किस प्रकार से तैमूर का आक्रमण हुआ मंगोल आपको पता है तेरह में तैमूर के आक्रमण से एक प्रकार से दिल्ली बर्बाद हो गई पूरी और तुगलक जो साम्राज्य था दिल्ली सल्तनत बहुत कमज़ोर हो गया उसके बाद हालांकि 1412 तक लगभग तुगलक वंश का शासन रहा लेकिन वो तैमूर के आक्रमण के बाद से ही एक प्रकार से क्या हो गया एक प्रकार से अंत उसका दिखाई देता है कमज़ोर बहुत हो गया था और देखेंगे दिल्ली सल्तनत में आर्थिक सामाजिक प्रशासन इन सब को लेकर बहुत क्वेश्चन आते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन आज का मध्यकालीन भारत का जो सतीश चंद्र का हमारा ए एन का इतिहास है आप सभी लोगों को सभी लोगों को गुड आफ्टरनून सभी लोगों को नमस्कार जय हिंद प्रणाम और सबसे पहले अन अकेडमी इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है आप में से जो भी लोग सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं लेना चाहते हैं तो वो क्या करें बीस तारीख के पहले अपना सब्सक्रिप्शन ले लें क्योंकि बीस तारीख से जो अमाउंट है जो फी है वो बढ़ने वाली है सबसे अच्छा ऑप्शन है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी पूरी की पूरी तैयारी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और वो सारी दिक्कतों के लिए आपके पास एक पर्सनल कोच होगा इसके साथ आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विथ वैल्यूएशन आपको मिलेगी आपका सबसे ज्यादा फायदा इस बात पर कि एक ही प्लेटफॉर्म पर प्री मैंस इंटरव्यू जी ऑप्शनल सब कुछ अवेलेबल है तो आपको ये सबसे बड़ी ऑफर दे रहा है दो साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का नाइनटी नाइन थाउजेंड में लेकिन अगर आप इस रेफर कोड को यूज करें मेरे अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं और मुझसे जुड़ना चाहें तो टेन परसेंट का डिस्काउंट भी मिलेगा एट्टी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड में आपको ये दो साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा एक साल का लेना हो तो सिक्सटी फोर थाउजेंड का है फिर से आप जब रेफर कोड यूज़ करेंगे सी के एल आई वी तो सत्तावन हजार छः सौ में आपको मिल जाएगा तो ये तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो गया जो लोग लो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो अभी बीस अक्टूबर तक ये उनतालीस हजार छः सौ रुपये में मिलेगा आपको एक साल का इसके लिए आपको सी के लाइव रेफर कोड यूज़ करना पड़ेगा टेन परसेंट डिस्काउंट के लिए और दो साल का जो सब्सक्रिप्शन है नॉर्मल वो है सत्तावन छः सौ का ये भी बीस अक्टूबर तक है बीस अक्टूबर के बाद में ये अमाउंट बढ़ जाएगा आज पंद्रह तारीख है जल्दी से जल्दी आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए दो वाले बाईस वाले तेईस वाले जो भी हैं जो फाउंडेशन बैच चाहते हैं ए से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी मेरा भी अक्टूबर में एक पॉलिटी आई का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है दूसरे एजुकेटर्स के भी बैच कोर्स स्टार्ट हुए प्री के बाद तो आप वो सारे ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग नई बैचेस चाहते हैं सी के लाइव रेफर कोड यूज़ करेंगे तो आपको मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलेगा मतलब मैं स्वयं आपसे फ़ोन पर बात करके आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करता हूँ आपको नोट्स इसमें मिल जाएंगे और पी और ऑप्शनल या हिंदी साहित्य जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो भी अवेलेबल होगा तो आप कोई भी रेफर कोड यूज कर सकते हैं किसी भी एजुकेटर का कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ मेरा कोड यूज़ करिए ऐसा नहीं है लेकिन अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप ये रेफर कोड यूज़ कर सकते हैं चलिए तो हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर रहे थे और हम खिलजी और तुगलक वंश देख रहे थे लास्ट टाइम मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक उसके प्रयोग ये सारे हम लोगों ने देखे आज के सेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का विघटन और पतन कैसे दिल्ली सल्तनत इतना बड़ा साम्राज्य जो है धीरे 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 सिमट गया ठीक है इसको आप लोग ऐसे समझो कि अलाउद्दीन खिलजी जो था अलाउद्दीन खिलजी के काल में ये ऊपर जाने लगा ग्राफ दिल्ली सल्तनत का तेज़ी से राजस्थान मालवा अजमेर और उसके नीचे के इलाके उसमें आ गए इसके बाद में आया मोहम्मद बिन तुगलक उसके काल में ये और ऊपर चला गया मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हमने देखा नीचे दक्षिण में और उड़ीसा बंगाल सब जीत लिया गया लेकिन फिर आया फिरोज तुगलक और हमें समझना है कि कैसे फिरोज तुगलक के काल में दिल्ली सल्तनत का नाम याद रखना बड़ा काम का बादशाह है ये बादशाह बहुत क्वेश्चन आते हैं इसे फिरोज तुगलक अगर आपने सुना हो तो फिरोज तुगलक के बारे में बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी जैसे फिरोज तुगलक वो शासक था जिसने सबसे पहले जजिया कर लगाया इसको मैं अभी आपको बताऊंगा जजिया कर को एक अलग कर बना दिया क्या कर दिया एक सेपरेट अलग टैक्स बना दिया इसको ये फिरोज तुगलक ही था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फ़ारसी में अनुवाद करवाया फिरोज तुक्क के द्वारा हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फ़ारसी में अनुवाद करवाया गया और मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में और भी बतानी है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पी तो कल ही आपको मैंने अवेलेबल करवा दिया था हिस्ट्री वाला मॉडर्न का विपिन चंद्रा का टेलीग्राम पर आज वाला भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए एट द रेट चंचल कुमार शर्मा ऑफिशियल वहाँ पर आपको सेशंस के पीडीएफ मिलते रहेंगे अब ठीक है तो फिरोज तुगलक और उसके जो उत्तराधिकारी थे वो मोहम्मद तुगलक के या मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के उस पूरे साम्राज्य को बरकरार नहीं रख पाए और उसके काल के उत्तरार्ध में साम्राज्य में जो है बहुत सारे विद्रोह हुए अलग अलग भागों में दरअसल मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में जो दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ क्या हुआ पतन हुआ उसके दो कारण थे दो कारण क्या थे दो कारण ये था कि साम्राज्य का आकार बहुत बड़ा था समझना ध्यान से क्या था साम्राज्य का आकार बड़ा था और इसीलिए बहुत सारे अलग अलग भागों में विद्रोह हो गए नंबर एक कारण दूसरा फिरोज तुगलक इतना योग्य न तो फिरोज और न उसके उत्तराधिकारी एक प्रकार से अयोग्य साबित हुए वो इतने योग्य नहीं थे कि इतना बड़ा साम्राज्य वो चला सके ध्यान से समझ में आ रहा है तो हमें मोटे मोटे तौर पर दिल्ली सल्तनत के दो कारण दिखाई देते हैं पतन के फिरोज तुगलक के काल में जो विघटन हुआ जो हुआ, जो पतन हुआ इसका उसका पहला कारण था साम्राज्य इतना बड़ा था क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को भी समस्याएं हैं पिछले सेशन में मैंने आपको यह भी बताया कि समस्याएं मोहम्मद बिन तुगलक को भी है और वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत पर अपना पूरा नियंत्रण नहीं रख पा रहा था इसीलिए आपने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया था जो हमने देखा था क्या किया राजधानी परिवर्तन भाई अगर आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से देवगिरी डेढ़ हज़ार किलोमीटर अपनी राजधानी को लेकर गया तो ऐसा मोहम्मद बिन तुगलक ने क्यों किया ऐसा करने के पीछे कारण था कि वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था कौन मोहम्मद बिन तुगलक लेकिन जब वो दक्षिण में गया तो फिर वो उत्तर भारत पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था इतना जो है बड़ा हो गया था आकार साम्राज्य का और एक जगह से क्योंकि केंद्रीकरण बहुत था सबसे बड़ी बात क्या है कि केंद्रीकरण यह केंद्रीकरण इतना था क्योंकि मेन होता था सुल्तान सारी शक्तियां सुल्तान के हाथ में होती थी तो इसलिए एक समस्या पैदा होने लगी और वो थी प्रशासन को चलाने की कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की तो लगातार क्या होने लगे विद्रोह होने लगे फिरोज तुगलक के काल में और ये जो है योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुए इस काल में ये और इसके आने वाले उत्तराधिकारी अयोग्य साबित हुए तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया पतन हुआ विघटन हुआ अधिकांश मामलों में केंद्रीय सेना और निष्ठावान सरदारों की सहायता से सुल्तान विद्रोहियों को दबाने में सफल होता था कई बार ऐसा होता था कि अपने निष्ठावान सरदार अपनी सेना इस सब के दम पर सुल्तान विद्रोह को दबा भी दिया करता था ठीक है कई बार ऐसा हुआ कि ये दबा भी दिया जाता था अब देखो मोहम्मद तुगलक जो था वो पूर्ण रूप से किसी पर विश्वास नहीं करता था विद्रोह उसी के काल में शुरू हो चुका था वो किसी पर विश्वास नहीं करता था इसलिए विद्रोह को दबाने के लिए वो एक भाग से दूसरे भाग तक दौड़ा करता था इधर उधर भागा करता था इससे उसकी सेना थक गई एक कारण यह भी है जब जब विद्रोह हुए मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अलग अलग भागों में अब दिक्कत क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक को किसी पर भरोसा नहीं था और जब किसी पर भरोसा नहीं करेगा तो अब वो काम खुद करना पड़ेगा तो जहाँ जहाँ विद्रोह होते थे वो खुद जाता था उनको दबाने के लिए इस कारण से आपको पता ही है कि भागा दौड़ कितनी होती होगी और सेना थक गई बार बार इधर से उधर इधर से उधर सेना जो है उसके साथ जब गई तो इससे उसकी सेना थक गई इनमें सबसे ज्यादा जो विद्रोह गंभीर थे वो दक्षिण भारत के थे क्योंकि ये दिल्ली में था और दक्षिण भारत की दूरी जो है वो काफी ज्यादा थी तो ज्यादा भयानक जो विद्रोह हुए हैं वो उसके काल में दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में हुए यहां तक समझ में आया आपको आप बस कुछ मत करिए चुपचाप इस पूरे सेशन को सुनते रहिए एक मैं आपको सीक्वेंस में पूरा समझा दूंगा कि किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ इसके पीछे क्या कारक उत्तरदायी थे इतना बड़ा साम्राज्य कैसे ख़त्म हुआ धीरे धीरे करके तो सेना थक गई क्योंकि मोहम्मद तुगलक स्वयं इधर से उधर सेना लेके विद्रोह दबाने के लिए जाता अगर वो किसी पर भरोसा करता तो शायद वो किसी को वहाँ नियुक्त कर सकता था उससे जो है विद्रोह को दबवा सकता था पर नहीं ये खुद करता था ये सारी चीज़ें इससे भी दिक्कत हुई सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में एक और कारण है जो शायद आप में से काफ़ी सारे लोग जानते नहीं हैं एक समय ऐसा आया जब मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में प्लेग फैल गया पुराने ज़माने में प्लेग एक बहुत बड़ी महामारी हुआ करती थी आपको पता है कि पहले आज से कई साल सौ साल पहले भारत में भी प्लेग फैला करता था ठीक है अंग्रेजों के काल में कई बार प्लेग फैला बहुत सारे लोग मारे जाते थे हम अहमदाबाद का सत्याग्रह देखते हैं मिल सकती आगरा गांधी जी का उसका भी लेना देना प्लेग से ही है तो उसकी सेना में प्लेग फैल गया और ऐसा माना जाता है कि प्लेग से दो तिहाई सेना जो है वो कूच कर गए आप समझो इस प्रकार से दो बटा तीन किसी की अगर दो तिहाई सेना चली जाए तो फिर बचता क्या है सिक्सटी सेवन परसेंट के आसपास टू थर्ड ऐसा माना जाता है कि एक बड़े संख्या में इसकी सेना बिखर गई इसकी सेना समाप्त हो गई चली गई तो दो तिहाई सेना चली गई प्लेग के कारण और इसलिए ठीक है तुगलक संभल ही नहीं पाया मोहम्मद बिन तुगलक अगर इतनी बड़ी सेना मर जाए दो तिहाई सैनिक मर जाए किसी सेना के तो वो बादशाह कुछ कर ही नहीं सकता दक्षिण भारत से जब वो लौटा विद्रोह को दबाने के बाद तो फिर से एक दूसरा विद्रोह हुआ और इसका नेतृत्व किया था हरिहर और बुक्का नाम सुना होगा आपने इन दो भाइयों का ये वही दो भाई हैं जिन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी बाद में एक बहुत असाधारण साम्राज्य हमें दिखाई देता है और वो साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य ठीक है विजयनगर साम्राज्य के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा विजयनगर साम्राज्य जो है उसका फिर बाद में स्थापना किया था इन दोनों भाइयों ने हरिहर और बुक्का तो इन्होंने विद्रोह कर दिया और फिर बाद में इन्होंने क्या किया एक राज्य की स्थापना कर ली जो आगे बढ़ता 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 क्या हो गया एक महान साम्राज्य बन गया विजयनगर अगले अध्याय में विजयनगर साम्राज्य पर भी बात करेंगे इसने जल्दी ही पूरे दक्षिण भारत को अपना अंग बना लिया तो लगभग पूरा दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य की चपेट में आ गया ठीक है तो विजयनगर साम्राज्य के विद्रोह भी जो हुआ था हरिहर बुक्का का इसी के काल में हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के काल वहीं पर दक्कन में ही विजयनगर के उत्तर दिशा में कुछ थोड़ा ऊपर विदेशी सरदारों ने दौलताबाद के निकट जहां पर ही अपनी राजधानी ले गया था देवगिरी में वहां पर एक राज्य की स्थापना की और यह नाम से प्रसन्न प्रसिद्ध हुआ बहमनी साम्राज्य अब आपने बहमनी साम्राज्य के बारे में हसन गंगू के बारे में भी सुना होगा तो ठीक उसी समय में जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई और थोड़ा सा ऊपर उत्तर दिशा में दौलताबाद के आसपास एक और विद्रोह हुआ और यहां एक और साम्राज्य की स्थापना हुई जिसका नाम था विजयनगर साम बहमनी साम्राज्य तो बहमनी साम्राज्य भी दो बड़े साम्राज्य आ गए जिनके बारे में अगले अध्याय में हम डिस्कस करेंगे बाद में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में आपको पता है कि बहुत बहुत संघर्ष हुआ ठीक है जैसे हम देखें राष्ट्रकूट पाल प्रतिहार आपस में लड़ते रहते थे त्रिपक्षीय संघर्ष वैसे ही द्विपक्षीय संघर्ष है जिसमें विजयनगर और बहमनी साम्राज्य आपस में लड़ते रहे अलग अलग समय पर बाद में हम देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य बट गया अलग अलग उसमें बीदर बराक गोलकुंडा अहमदनगर ये सब आपने सुना होगा इसमें विजयनगर बहमनी साम्राज्य बढ़ गया समय के साथ विजयनगर साम्राज्य भी समाप्त हो गया तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध आप सब ने सुना होगा पंद्रह में तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध हुआ इसमें विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया यहीं से सारी चीज़ें जुड़ती हैं आगे जाकर विजयनगर साम्राज्य में वाडियार वंश आ गया हमने सुना होगा उसी के जगह फिर मैसूर में आ गया कौन हैदर अली आ गया टीपू सुल्तान आ गया बाद में फिर से वाडियार वंश की स्थापना अंग्रेजों ने की थी तो बहमनी सांग, साम्राज्य जो है उसके थोड़ा उत्तर में विकसित हुआ अब बंगाल जो है वो भी अब स्वाधीन हो गया बहुत प्रयास के बाद मोहम्मद तुगलक जो है वो अवध गुजरात और सिंध के विद्रोह को दबाने में सफल हुआ तो धीरे धीरे मोहम्मद बिन तुगलक के काल से ही इसका साम्राज्य सिमटने लगा था कम होने लगा था जब वो सिंध में था तो उसकी मृत्यु हो गई अब मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद स्थिति बद से बदतर हो गई और बुरी हो गई मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद तो तेजी से साम्राज्य का पतन हुआ तेजी से साम्राज्य का विघटन हुआ और उसका जो उत्तराधिकारी बना वो था फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक के नाम से भी है जाना जाता है तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा बस आपको यह याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दक्षिण में दो बड़े विद्रोह हुए पहला जो विद्रोह था वो हरिहर और बुक्का के नेतृत्व में हुआ जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की दूसरा विद्रोह जो है वो बहमनी साम्राज्य के लिए हुआ और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई उस प्रकार से विकसित हुआ अब फिरोज तुगलक जब गद्दी पर बैठा फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा तो उसकी सबसे बड़ी सबसे बड़ी जो चुनौती थी क्या थी वो थी दिल्ली सल्तनत के विघटन को रोकना अब ये जो राज्य इतना बड़ा है धीरे 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 कम हो रहा है तो सबसे बड़ी सुल्तान के सामने जो पहली थी चुनौती कि इसको रोका कैसे जाए इस राज्य के पतन को विघटन को कैसे रोका जाए यह सबसे पहला काम करना था फिरोज तुगलक को तो फिरोज तुगलक ने इसके लिए क्या किया इसके लिए उसने अमीरों अध्यात्मवादियों और सेना को शांत करने की नीति अपनाई एक प्रकार से आप कह सकते हो फिरोज तुगलक की जो नीति थी वो थी तुष्टीकरण की नीति कौन सी नीति थी इसने तुष्टीकरण की नीति अपनाई और जो दूसरे ठीक है कई सारे जो अमीर थे अध्यात्मवादी थे उलेमा थे इन लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश इसने की आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में आ रहा है क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है लगता है आज बहुत सारे लोगों को क्लास के बारे में पता नहीं चल पाया अभी तक ऐसा लग रहा है काफी लोग आज जो है गायब है क्लास से तो इसने क्या किया यह अपने साम्राज्य के पतन को विघटन को रोकना चाहता था तो इसने तुष्टिकरण की नीति अपनाई इसने क्या किया इसने अमीरों आध्यात्मवादियों सेना को शांत करने की नीति अपनाई और उन्हीं क्षेत्रों को अपने अधिकार में रखा जिन पर वह सुविधापूर्वक नियंत्रण रख सकता था केंद्र से जो फिरोज तुगलक था उसका फंडा क्लियर था क्लियर क्या था उसने समझ लिया कि मैं बहुत बड़ा साम्राज्य जो है वो नहीं हाँ अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग जो है सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दिया कीजिए भाई अगर कई लोगों को क्या होता है कई लोग बोलते हैं ठीक है कई लोग जो हैं बोलते हैं कि उनको नहीं मिलता नोटिफिकेशन नहीं मिलता पता नहीं चलता क्लास का तो भाई पता कैसे चलेगा अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे आपस में एक दूसरे को बताइए क्लास का टाइम जैसे सबको पता है एक बजे होता है और आप ये भी जानते हो कि टेलीग्राम चैनल पर डेली लिंक भी आती है तो टेलीग्राम चैनल से सीधे भी आप लोग आ सकते हो कई बार मैंने आपसे कहा कि अगर आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो टेलीग्राम चैनल पर डेली लिंक आती है उससे सीधा क्लास में एंट्री कर सकते हो आप लोग तो भाई जिन के जिस उसी इलाके देखो फिरोज तुगलक ने क्या किया सिर्फ उतना ही इलाका इसने जो है रखने का सोचा जितने पर ये दिल्ली से नियंत्रित रख सकता था जिस पर नियंत्रण रख सकता था इसने क्या किया इसमें उन इलाकों को वापस लेने की कोशिश नहीं की जो दूर थे जहाँ विद्रोह हो चुके थे जिन्होंने स्वतंत्र कर दिया अपने आप को आ रही मेरी बात समझ में तो हुआ ये फिरोज तुगलक जो है नहीं मैं आप सबको एक बात क्लियर कर दूं कि हमारा टाइम चेंज नहीं हुआ है हमारी क्लास का टाइम एक बजे ही है वो तो दो तीन दिन कुछ प्रॉब्लम थी व्यक्तिगत समस्या थी इसलिए हमारा क्लास डेढ़ बजे से हुआ था नहीं तो क्लास का टाइमिंग अभी चेंज नहीं हुआ है इज दैट क्लियर तो इसने क्या किया इसने उन्हीं क्षेत्रों को अपने अधिकार में रखने की कोशिश की जिस पर ये नियंत्रण रख सकता था दिल्ली में बैठकर इसीलिए इसने बाकी को जैसे दक्षिण भारत को और दक्कन को वापस अपने राज्य में मिलाने की कोशिश ही नहीं की ध्यान से समझ में आया आपको फिरोज तुगलक ने दक्षिण भारत के और दक्कन के उन इलाकों को जो विद्रोह के बाद अलग हो चुके थे नए राज्य बन चुके थे उनको अपने राज्य में मिलाने की कोशिश ही नहीं की और ये इसलिए की क्योंकि वो बड़ा राज्य नहीं चाहता था वो सिर्फ इतना राज्य चाहता था जितने पर वो आसानी से नियंत्रण रख पाए यहां तक समझ में आया अब इसके बाद क्या हुआ इसके बाद में उसने बंगाल के विरुद्ध दो युद्धों का नेतृत्व किया बंगाल को उसने कोशिश की वापस लाने की लेकिन दोनों में फिरोज तुगलक असफल रहा और बंगाल जो है दिल्ली सल्तनत के हाथ से निकल गया बंगाल भी निकल गया दक्कन में नीचे दक्षिण भारत में वो भी इनके हाथ से निकल गया जब विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य आ गए तो धीरे धीरे करके इनके हाथ से बहुत सारा इलाका जो है दिल्ली सल्तनत के हाथ से अपने निकल गया फिर भी सल्तनत उतनी बड़ी थी जितनी अलाउद्दीन के शासन काल के समय में शुरुआत में थी तो अगर आपको लगता है कि फिरोज तुगलक के काल में बहुत छोटा हो चुका था साम्राज्य ऐसा भी नहीं है फिरोज तुगलक ने उस राज्य पर उतने बड़े राज्य पर अपना कब्जा किया अधिकार किया शासन चलाया जितना अलाउद्दीन के पास में था शुरुआत में तो अलाउद्दीन खिलजी के शुरुआती राज्य के तो हम लोग इसको ऐसे समझें कि दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन के पूर्व जिस जगह पर थी वहीं पर वापस फिरोज के काल में आ गई बीच में दिल्ली सल्तनत काफ़ी फैली और वापस सिकुड़ गई समझ में आया कि नहीं आया दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन के समय शुरुआत में जितनी थी उसके बाद वो तेज़ी से फैली और फिरोज के काल में वो वापस सिकुड़ गई मतलब दिल्ली सल्तनत का राज्य इस बीच में काफी विस्तारित हुआ था फिरोज ने जाजनगर जो उड़ीसा में वहाँ के शासक के विरुद्ध भी एक अभियान छेड़ा उसने पंजाब की पहाड़ियों में कांगड़ा के विरुद्ध भी अभियान छेड़ा लेकिन वो एक विख्यात सेनापति नहीं था बड़ी बात यह है मैंने आपको पहले ही बताया जितने योग्य मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी थे उतना योग्य फिरोज तुगलक नहीं था वो उतना बड़ा सेनापति नहीं था उसके शासनकाल में फिर भी शांति बनी रही और विकास हमने देखा कि हुआ है उसने आदेश दिया कि जब भी किसी सरदार की मृत्यु हो जाए तो उसके पद और एकता पर उसके पुत्र का अधिकार होना चाहिए क्या कर दिया वंशानुगत कर दिया इसको बोलते वंशानुगत अगर कोई सरदार ठीक है वो मर जाए तो उसके बाद में उसका जो पद है उसका जो इकता है जिस पद पे भी वो हो सकता है साम्राज्य में जो भी उसका इकता हो सकता है उस पर उसके पुत्र का अधिकार होना चाहिए और पुत्र ना हो तो दामाद का और दामाद ना हो तो उसके गुलाम का अधिकार होना चाहिए कुल मिला के कोई भी पद है कोई भी इकता है उसके बाद में अगला उसका अधिकारी कौन होगा ये उससे जुड़ा हुआ ही कोई व्यक्ति होगा पुत्र पुत्र नहीं तो दामाद दामाद नहीं तो गुलाम इस प्रकार से फिरोज तुगलक ने इसको वंशानुगत कर दिया 1388 में फिरोज का भी देहांत हो गया 1388 में फिरोज भी मर गया और फिर वही हुआ जो पहले होता था देखो बार बार एक बात मैं बताता हूँ दिल्ली सल्तनत के पूर्व शुरुआती काल से हम देख रहे हैं कि जब भी कोई बादशाह जब भी कोई बादशाह मरता था जब भी कोई बादशाह समाप्त होता था तो उसके बाद एक चीज़ हम देखते थे और वो ये कि संघर्ष होता था कई प्रकार से अमीर और जो सरदार हुआ करते थे वो सत्ता के लिए संघर्ष करते थे वैसा ही सुल्तान और सरदारों के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष वापस से शुरू हो गया जब फिरोज तुगलक मर गया तेरह में इस परिस्थिति का लाभ उठाकर कई सारे स्थानीय जमींदारों ने राजाओं ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तो भाई धीरे धीरे कई सारे लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र तक घोषित कर दिया जब फिरोज तुगलक मरा तो इस परिस्थिति का फ़ायदा कई सारे जमींदारों ने सरदारों ने उठाया और राजाओं ने भी उठाया पर एक बात थी और वो नई बात जो आपको याद रखनी है बहुत काम का पॉइंट बता रहा हूँ दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा समय भी आया और ये खासकर फिरोज़ के मरने के बाद एक नई बात हुई और नई बात क्या हुई कि अब ग़ुलामों ने भी गुलामों ने भी अपने प्रतिनिधियों को सिंहासन पर बैठाने के लिए हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया पहले क्या होता था पहले जो बड़े बड़े अमीर होते थे सरदार हुआ करते थे वो लड़ते थे आपस में सत्ता के लिए अपने कठपुतली पिट्ठू को बिठाने के लिए अपने प्रतिनिधि को बिठाने के लिए एक नई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ फिरोज के मरने के बाद क्या हुई अब ग़ुलाम भी इसमें शामिल हो गए पहले गुलामों का इतना वैल्यू नहीं था कि वो भी क्या करते वो भी सत्ता के लिए संघर्ष करते लेकिन अब गुलामों ने भी अपने प्रतिनिधियों को सिंहासन पर बैठाने के लिए हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया फिरोज के मरने के बाद धीरे धीरे दिल्ली के सुल्तान का राज्य जो है दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित हो गया एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा भी है कि जो दिल्ली का सुल्तान है ठीक है उसकी जो जो उसका शासन है वो दिल्ली से पालम तक विस्तृत है आपने सुना होगा एक समय में उपहास मजाक बनाया गया दिल्ली सल्तनत का कि जो सुल्तान है ना उसकी बादशाहत दिल्ली से पालम तक है बहुत जो है ये हास्यास्पद है कि इतना बड़ा दिल्ली सल्तनत समटते सिमटते दिल्ली के आसपास के इलाके तक रह गया आई बात समझ में कुछ लोग जो पूछ रहे हैं कि क्लास का टाइम क्या है क्लास कब तो आपको डेली पता है कि क्लास एक बजे होती है तो फिर आपको पूछने का कोई मतलब ही नहीं कि क्लास कब से चलती है मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्लास का टाइम एक बजे होता है एक बजे बराबर आइए कई लोग डेढ़ बजे आ रहे हैं कई लोग पौने दो बजे आ रहे हैं और ये डेली इसी टाइम पर होती है क्लास बीच में दो तीन दिन हमारी डेढ़ बजे क्लास हुई थी नहीं तो एक बजे ही हो रही तो बादशाह कहाँ तक चली गई सुल्तान की दिल्ली से पालन तक मतलब इसके बाहर ना कोई पूछता ही नहीं सुल्तान को सुल्तान की जो है वो बादशाह उसके आगे काम ही नहीं करती एक और सबसे बड़ा प्रहार सबसे बड़ा अब मैं ये बार बार कैसे है? मतलब आप लोग कैसे मैं आपसे बोल रहा हूं टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली लिंक मिल रही है मैं जो सेशन होता है जितना भी सेशन मेरा होता है उसकी लिंक डेली टेलीग्राम पर शेयर होती आपको ढूंढना क्यों पड़ता है आपको क्लास ढूंढने की क्या ज़रूरत है स्मार्ट बनिए आप अधिकारी बनने वाले हैं और आप एक क्लास ढूंढ नहीं पा रहे हैं जब मैं बार बार कह रहा हूं कि टेलीग्राम चैनल पर लिंक आपको अवेलेबल होती है तो टेलीग्राम चैनल से सीधा ही आप लोग क्लास में आ सकते हो तो भाई एक और जो बड़ी बात इस काल में हुई वो था तैमूर का आक्रमण आपने मध्यकाल के इस दुर्दांत आक्रमणकारी के बारे में सुना होगा ठीक है ना ये जो तैमूर था इसके आक्रमण के बाद में दिल्ली सल्तनत की जो बची कुची जो एक इज्जत थी जो एक रेपुटेशन थी और जो हम कहें कि थोड़ा बहुत दमखम था वो भी खत्म हो गया तैमूर का आक्रमण कब हुआ तैमूर का आक्रमण हुआ था तेरह में कब हुआ तेरह में हुआ था और जब इसका आक्रमण हुआ तो दिल्ली सल्तनत की जो दुर्बलता है जो कमी है वो और ज्यादा और ज्यादा बढ़ गई और वो सबके सामने आ गई और स्थिति बदतर हो गई तैमूर कौन था तैमूर मंगोल था मैंने पहले भी आपको बताया मंगोल आक्रमण की शुरुआत चंगेज खां से हम लोगों ने देखा था चंगेज खां आया था पीछा करते हुए ख्वारिज्म साम्राज्य के उत्तराधिकारी का जलालुद्दीन का किसका याद करो मैंने बताया था चंगेज खां के बारे में चंगेज खां जो मंगोल था वो आया था जलालुद्दीन का पीछा करते हुए कौन था ये ख्वारिज्म साम्राज्य ख्वारिज्म साम्राज्य एक समय बड़ा शक्तिशाली हुआ था तो चंगेज खां भारत में सिंध नदी तक आ गया था लेकिन लेकिन आपको पता है कि जो चंगेज खां है वो भारत नहीं आया वो भारत के ऊपर आक्रमण नहीं किया और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मान लो चंगेज खां भारत आक्रमण कर देता दिल्ली सल्तनत पर तो उस समय दिल्ली सल्तनत बहुत कमज़ोर थी इतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी बाद में बनी थी तो शायद बहुत बुरी स्थिति हो सकती थी लेकिन चंगेज़ खां सिंध नदी से वापस लौट गया वो ख्वारिज साम्राज्य के बचे खुचे हिस्सों को जीतने चला गया और इस प्रकार से अगर आप में से किसी को गलत फहमी है चंगेज़ खां ने भारत में कभी आक्रमण ही नहीं किया वो भारत पर आया ही नहीं वो भारत के बाहर से ही चला गया ठीक है तो मंगोल चंगेज़ खां से तो भारत बच गया था उसके बाद में चंगेज़ खां के उत्तराधिकारियों ने समय समय पर भारत पर दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण भी किया लेकिन भारत में दिल्ली सल्तनत ने उसको हराया एक समय अलाउद्दीन बलबन अलाउद्दीन खिलजी गयासुद्दीन तुगलक के काल में दिल्ली सल्तनत बहुत शक्तिशाली हो गई थी तो इसलिए मंगोलों को बार बार पीट दिया गया लेकिन अब अब की बार दिल्ली सल्तनत जब कमज़ोर हो गई तो फिर वहाँ पर आ गया तैमूर तैमूर जो है वो अपने आप को चंगेज का वंशज कहता था क्या कहता था चंगेज का वंशज वो मानता था और इस प्रकार से तेरह में उसने भारत पर आक्रमण किया 1370 से उसने अपना विजय अभियान शुरू किया और सीरिया से मावरा नहर तक और दक्षिण रूस से लेकर सिंध तक के सारे क्षेत्र को धीरे धीरे अपने अधिकार में कर लिया मंगोलों का जो खोया हुआ वैभव था ठीक है मंगोलों का जो खोया हुआ वैभव था उसको ये वापस लेकर आया तैमूर और तैमूर जो है वो चूंकि देख रहा था कि दिल्ली सल्तनत में अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया है इनके यहाँ व्यापार अच्छी स्थिति में था इनके पास में अच्छी खासी सेना सब कुछ था तो तैमूर जो है वो भी लूट मार के इरादे से भारत पर आया था तो लूट मार के विचार से उसने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली के सुल्तानों द्वारा 200 वर्षों की जमा की हुई धनराशि को लूटना चाहता था एक क्वेश्चन तो कई सारी एग्जाम में पूछा जाता है कि तैमूर का आक्रमण किस वंश के काल में हुआ था तैमूर का आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था तुगलक वंश के काल में किसके काल में जब फिरोज तुगलक मर गया था उसके बाद तुगलक वंश के काल में ये आक्रमण हुआ था तेरह में और वो आया था 200 वर्षों तक जो दिल्ली सल्तनत ने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया उसको वो लूटना चाहता था ठीक है भाई तो दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद ऐसा कोई था भी नहीं जो उसका मुकाबला कर सके मैंने आपको बताया कि फिरोज तुगलक के समय में स्थिति ख़राब हो गई थी और फिरोज के मरने के बाद तो और ख़राब हो गई थी फिरोज तुगलक के मरने के बाद दिल्ली सल्तनत की हालत बहुत खराब थी और कोई भी ऐसा नहीं था जो तैमूर का सामना कर सकता था और तैमूर की सेना ने जो है दिल्ली के रास्ते में आने वाले बहुत सारे अनेक नगरों को निर्दयता के साथ लूटा और तबाह किया क्यों इतना भयानक जो है ये नाम है क्यों इसको सुनते ही लोगों को गुस्सा आ जाता है क्यों ये आक्रमण का इतना विध्वंसक माना जाता है क्योंकि जब ये आया तो इसने बहुत निर्दयता के साथ लूट खसोट मचाई तबाही मचाई और जैसे ही दिल्ली में उसने प्रवेश किया तो यहाँ पर भी उसने लूट मार मचाई बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमान लोग ठीक है इसके अतिरिक्त स्त्री और बच्चों को भी अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदुओं को मारा भारत में आक्रमण करने का जो इसका हम कहें उद्देश्य था वो तो लूटमार था तो रास्ते में चाहे हिंदू मिले या मुसलमान इसने सबको मारा तो तैमूर के आक्रमण से दिल्ली की जनसंख्या में दिल्ली की जनता में एक आतंक फैल गया इसने महिलाओं को और बच्चों तक को नहीं छोड़ा ठीक है बच्चों और महिलाओं तक को छोड़ जो है इसने मारा पूरे के पूरे इलाका पूरे के पूरा मोहल्ला उजाड़ दिया जाता था मार दिया जाता था सबको तो यह था तैमूर का आक्रमण जिससे दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता और पक्की हो गई तैमूर के आक्रमण से क्या हो गया भारत के दुर्बल शासन का खतरा फिर से उजागर हो गया एक क्वेश्चन यहां से बनता है भारत में समय समय पर दुर्बल शासन के क्या दुष्परिणाम रहे आप सभी को पता है कि भारत में जब जब कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो कि मजबूत थी तब तक हमें ऐसे आक्रमणकारियों से ठीक है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा बहुत सारी लूटमार हुई और जब भी कोई बड़ी शक्ति रही उसने हमेशा इनको रोका जैसे हम बात करते शुरुआत में सिकंदर से ही हम लोग देखें तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तब नंदवंश का शासन था और शायद नंदवंश के शासन की वजह से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया क्योंकि उनको लगा था कि उस पार एक बहुत बड़ा राज्य है बहुत बड़ी सेना है नहीं तो सिकंदर भारत पर आक्रमण करता इसके बाद के कालों में भी आप देखोगे कि जब जब कोई मजबूत शासन रहा फिर मौर्य शासन आया जब तक मौर्य शासन भारत में रहा हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को अशोक को तब तक भारत में स्थायित्व रहा जैसे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ फिर आप देखते हो कि उधर से हिंद यूनानी आ गए शक आ गए पहलव आ गए कुषाण आ गए तो जैसे जैसे कमज़ोरी होती कोई भी तो भारत में इस चीज़ को ये कोई नई बात नहीं थी तैमूर से पहले महमूद गजनवी भी, भी आया तो जब जब कोई आक्रमणकारी भारत में आया हमारे साथ क्या दिक्कत थी कि अगर कोई दुर्बल शासन होता था तो हमको नुकसान उठाना पड़ता था तो ये खतरा था कि भारत में ऐसा एक शासन होना चाहिए था हमेशा जो कि शक्तिशाली हो और जब वो शक्तिशाली शासन होगा तो इस प्रकार से कोई समस्या नहीं होती थी आप देखो कि मुगल मुगल भी अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली थे जब तक मुगल शक्तिशाली रहे तब तक अंग्रेज़ों की दाल नहीं गली तब तक पुर्तगालियों की फ्रांसीसियों की दाल नहीं गली ठीक है आपने देखा होगा अंग्रेजों ने 1600 सो में ठीक है अधिकार पत्र मिल गया था उनको भारत के साथ व्यापार करने का सत्रह में प्लासी का युद्ध हुआ कितना साल लगभग डेढ़ सौ सालों तक डेढ़ सौ सालों तक अंग्रेज़ों को बहुत कुछ भारत में हासिल नहीं हुआ और इसका कारण था मुग़ल साम्राज्य काफ़ी शक्तिशाली था जब औरंगजेब मर गया तो औरंगजेब के मरने के बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और इसका फ़ायदा उठाया यूरोपीय कंपनियों ने खास करके अंग्रेज़ों ने और फ्रांसीसियों ने तो ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता रहा हूं ये लाइन नहीं है ये पूरा क्वेश्चन है भारत में समय समय पर दुर्बल शासन का खतरा ये तैमूर के आक्रमण से और ज्यादा उजागर हो गया साफ हो गया कि हाँ भारत में कोई दुर्बल शासन जब जब रहा ये परिस्थितियां आई हैं परिणाम स्वरूप सोना अच्छा आपने अब्दाली का भी देखा अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था उससे पहले नादिर शाह ने किया था तो नादिर शाह भी बहुत कुछ लूट के ले गया उसका कारण भी था कि उस समय मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था अहमद शाह अब्दाली भी ले गया था इसका कारण भी यही था एक क्वेश्चन है कि तीसरी या चौथी पीढ़ी में जाकर किसी भी साम्राज्य का पतन हो जाता है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि सभी पीढ़ी में किसी भी वंश में जितने शासक आएंगे वो सारे के सारे योग्य नहीं होते देखिए मेरी बात ध्यान से समझना किसी भी वंश में दो तरह के शासक होते हैं या तो वो योग्य होगा या वो अयोग्य होगा तो जब जब किसी भी वंश में योग्य शासक आता है और अगर मान लीजिए पिछले वाले से ये वाला ज्यादा योग्य है तो उस वंश का विस्तार होता है हम देखते ना इस वंश का प्रतापी राजा इसने और ज्यादा विस्तार किया अपने साम्राज्य का तो अगर कोई योग्य शासक आता है तो अपने साम्राज्य को फैला देता है अपने वंश के साम्राज्य को आगे बढ़ा देता है जैसे ही कोई कमजोर शासक आया तो वो उस पूरे इलाके को नहीं चला पाता तो वैसे ही पतन होने लग जाता है हर वंश के शासन का पतन अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण होता है और हर वंश के शासन का विस्तार किसी योग्य उत्तराधि के कारण होता है चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की स्थापना की थी उसके बाद में अशोक ज्यादा योग्य था तो उसने और ज्यादा फैलाया अशोक के उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं थे तो फिर पतन हो गया मौर्य साम्राज्य का समुद्र गुप्त योग्य था तो उसने बड़ा साम्राज्य बना लिया लेकिन बाद के गुप्त शासक इतने योग्य नहीं थे तो वो फिर से कब चला गया ये हर समय में हर काल में आपको ये चीज मिलेगी तो इस प्रकार से सोना चांदी जवाहरात आदि की बड़ी धनराशि लेकर जो है बाहर चला गया तैमूर भारत से ठीक है तैमूर न सिर्फ सोना चांदी लेकर गया वो बड़ी संख्या में कारीगरों को और राजमिस्त्रियों को ले गया भारत में आपको पता है प्राचीन काल से ख़ास बात थी और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर कला के मामले में बहुत उन्नति की है हमने हमने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं अगर आप देखो कि अशोक के स्तूप से लेकर तो उसके बाद से लेकर हमारे पास एक से एक कलाकार आए हमेशा तो हमारे यहाँ पर का, जो कारीगर है और जो राजमिस्त्री है वो बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते रहे तो वो इनको ले गया बड़े को भी अपने साथ ले गया कुछ लोगों ने उसकी जो राजधानी थी तैमूर की समरकंद वहाँ पर कई सारे सुंदर भवनों के निर्माण में मदद की तो भारत से वो ना सिर्फ सोने चांदी जवाहरात ले गया बल्कि वो यहाँ से कई सारे कारीगरों को ले गया कई सारे मस, मजदूरों को ले गया ठीक है लेकिन भारत की राजनीति पर तैमूर के आक्रमण का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा यह एक फैक्ट है तैमूर के आक्रमण से भारत में राजनीतिक रूप से कोई फर्क नहीं पड़ा क्यों क्योंकि दिल्ली सल्तनत का पतन पहले ही शुरू हो चुका था विघटन हो चुका था और जो तुगलक वंश है वो धीरे धीरे वैसे ही समाप्त हो रहा था और तैमूर का आक्रमण हुआ तेरह में तो ऐसा नहीं है कि तुगलक वंश का अंत हो गया तुरंत तुगलक वंश तो 1412 तक चलता रहा कब तक 1412 तक तो एक पॉइंट ये है कि तैमूर के आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा हमारे ऊपर ज्यादा वो तो पहले से ही पतन दिल्ली सल्तनत का लगातार हो रहा था हाँ तैमूर के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता कि भाई तैमूर के आक्रमण के बाद ये बिखर गया ऐसा नहीं वो पहले ही कमजोर होती जा रही थी धीरे 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 ठीक है यद्यपि तुगलक वंश का शासन 1412 तक चला लेकिन तैमूर के आक्रमण से स्पष्ट हो गया था कि दिल्ली सल्तनत के शक्तिशाली शासकों के काल का अंत हो गया कौन शक्तिशाली शासक बलबन पहले हम देखें इल्तुतमिश, बलबन अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक ये दिल्ली सल्तनत के बड़े बड़े शासक थे ये अब नहीं रहे क्लियर हो गया क्योंकि इनमें से कोई भी होता अगर बलबन होता अलाउद्दीन खिलजी होता मोहम्मद बिन तुगलक होता तो शायद तैमूर को रोका जा सकता था ठीक है यहां तक क्लियर हो गया आपको तैमूर का आक्रमण अब जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं सल्तनत काल के सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं इसके शासन से प्रशासन से राजनीतिक व्यवस्था से सामान्य जीवन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं तो आपको सबसे ज्यादा समझना इसी पूरे पोर्शन में है कि दिल्ली सल्तनत में किस प्रकार से शासन व्यवस्था कैसे चलती थी अलग अलग विभाग थे जैसे मैंने बताया था मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर ए कोही बनाया था किसके लिए बनाया था कितने लोग जो है बता सकते हैं पिछले सेशन में ही पढ़ाया था दीवान ए अमीर दीवान ए अमीर है कोही ये जो था ये काय का विभाग था किस चीज का विभाग था ये हाँ कृषि और ये पिछले सेशन में बताया था कृषि के लिए एक नया विभाग बनाया था दीवाने अमीर को ही कुछ और उसको विकास खंड में बांटा था एक विकास खंड अधिकारी हुआ करता था यही समझने वाली चीज है दिल्ली सल्तनत के शासन प्रशासन के बारे तो पंद्रहवीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत का विघटन हो गया और देश के कई भागों में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई फिर भी दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था का अनेक राज्यों पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने सोलहवीं शताब्दी में विकसित होने वाली मुगल शासन व्यवस्था को भी प्रभावित किया अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो और अगर आप कन्फ्यूजन से बचना चाहते हो ना तो मैं आपको बताता हूँ मुगल काल की शासन व्यवस्था को लेकर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं तो अगर आप मुगल काल की शासन व्यवस्था को समझना चाहो तो इसमें आपकी मदद करेगा दिल्ली सल्तनत का काल क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो काल था जिस प्रकार की शासन व्यवस्था थी उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ा मुगल काल में मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं आपको एक पद आपने सुना होगा वजीर इस पद के आपने बारे में सुना होगा ना वजीर वजीर राजस्व व्यवस्था से जुड़ा था धीरे धीरे वजीर का पद फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बहुत बड़ा हो गया लेकिन बाद में वज़ीर का पद जो है धीरे धीरे पतन हो गया ख़त्म हो गया कमज़ोर हो गया लेकिन मुग़ल काल में मुग़ल काल में वज़ीर जो है फिर से एक बड़ा पद बन गया मेरी बात समझ में आ रही है आपको दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था को पढ़ने का फ़ायदा यह है कि न सिर्फ़ हम दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था को समझते हैं बल्कि हम मुगल शासन व्यवस्था का एक बेस बनाते हैं और हाँ आप सभी जानते हैं कि मुगल शासन व्यवस्था से क्वेश्चन कितने आते हैं कई बार पूछा गया है ठीक है तो भाई यहाँ पर ये जो दिल्ली सल्तनत का जितना भी शासन व्यवस्था था उसका बहुत गहरा प्रभाव मुगल शासन व्यवस्था पर पड़ा है कैसे इसको समझेंगे हम लोग एक एक करके समझो सबसे पहले आपको पता है सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रमुख जैसे मुगल काल में कौन होता था मुगल काल में होता था बादशाह है ना मुगल काल में बादशाह प्राचीन काल में राजा राजा बादशाह वैसा ही होता था दिल्ली सल्तनत में सुल्तान आगे समझ में हम बोलते ना सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हम लोग बादशाह नहीं बोलते मुगल काल में बोलते बादशाह औरंगजेब बादशाह जहांगीर बादशाह अकबर तो जैसे हम लोग मुगल काल में बादशाह देखते हैं जैसे हम लोग पुराने काल में राजा देखते हैं वैसे हमारे यहाँ सुल्तान है तो शासन कैसा होगा निसंदेह शासन कैसा होगा केंद्रीय कैसा होगा इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड, सारी शक्तियां शासन की समस्त शक्तियाँ सुल्तान के हाथ में होती थी ये सबसे बड़ा जो है व्यक्ति हुआ करता था दिल्ली सल्तनत नंबर यहीं से शुरू होता है खलीफा आपने सुना होगा खलीफा कौन था खलीफा जो है मुस्लिम धर्मगुरु के रूप में जाना था किस में मुस्लिम धर्मगुरु आपने पढ़ा होगा मुस्तफ़ा कमाल पाशा का नाम मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में जो क्रांति हुई थी आंदोलन हुआ था उसके बाद में खलीफा का पद समाप्त हो गया लेकिन और यह हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद है ना खिलाफत आंदोलन पड़ा होगा अपने आधुनिक भारत में लेकिन पहले खलीफा का पद जो ये था ये बहुत बड़ा पद था धर्मगुरु हुआ करता था और इसका महत्व केवल नैतिक और धार्मिक था खलीफा के पद को सर्वोच्च मान्यता प्रदान की जाती थी और इसके प्रतिनिधि के रूप में शासन किया जाता था ठीक है क्या किया जाता था खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में मेन जो है वो खलीफा है और उसके प्रतिनिधि के रूप में क्या किया जाता था उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन किया जाता था तो दिल्ली के सुल्तान जो थे वो केवल यह बताना चाहते थे प्रदर्शित करना चाहते थे कि वो भी इस्लामी दुनिया के अंग हैं बस अपने आप को एक मान्यता दिलाने वाली बात है इस्लामी शासन के रूप में इस्लामी शासक के रूप में मान्यता दिलाने वाली बात है सल्तनत में सुल्तान का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था सबसे ज़्यादा मैंने बताया वो सुल्तान था सारी राजनीतिक कानूनी और सैनिक शक्तियाँ इसी में थी और राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी इसमें था अगर मैं पॉलिटी की भाषा में कहूँ अगर मैं पॉलिटी की भाषा में आपको बताऊँ तो एग्जीक्यूटिव भी यही था जुडिशरी भी यही था और लेजिस्लेटिव भी यही था सरकार के कितने अंग होते हैं हम लोग पढ़ते हैं ना सरकार के तीन अंग होते हैं लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी विधायिका कानून बनाती है कार्यपालिका कानून लागू करती है न्यायपालिका उस पर न्याय सुनाती है यहां सुल्तान जो था वही कार्यपालिका था वही विधायिका था वही न्यायपालिका था मतलब इसी में सभी शक्तियां हैं ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि वो अपने आप में क्या था सारी शक्तियों का स्रोत था सारी शक्तियां सुल्तान के पास थी और सुरक्षा जो थी वो भी वही करता था राज्य की इस उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था यहां पर आपको ये समझना है कि चूंकि वो अकेला सारा काम तो नहीं कर सकता था तो कुछ लोगों की सहायता के लिए नियुक्ति तो करेगा ही करेगा तो भाई ये न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था और सल्तनत के अधिकारियों के मनमानी के विरुद्ध सीधे उससे ही फरियाद की जा सकती थी जैसे कुछ मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ना वैसे ही अगर किसी अधिकारी का मामला है तो सीधे कहाँ जाएगा सीधा सुल्तान के पास जाएगा उस पर फरियाद जो है कौन सुनेगा सुल्तान ही सुनेगा मोहम्मद तुगलक ने इस सिद्धांत को धार्मिक वर्गों पर भी लागू किया यह आपको एक फैक्ट नोट करना है मुझे लगता है काम का है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जिसने उलेमा वर्ग उलेमा वर्ग जो था ना धार्मिक वर्ग हुआ करता था उस समय उनके ऊपर भी इसको लागू कर दिया कि इनके खिलाफ भी अपील कर सकते हो आप इनके खिलाफ भी जा सकते हो इसके पहले जो उलेमा थे इनको दंड नहीं दिया इनको दंड से मुक्ति थी ये समझ में आया मोहम्मद बिन तुगलक के काल में पहली बार उलेमाओं को भी दंड के दायरे में लाया गया क्या आपको भी दंड दिया जा सकता है इससे पहले ये मुक्त थे ये कुछ भी कर लेते इनको हम कहते ना अपवाद भारत के संविधान के अनुच्छेद चौदह में समता का अपवाद कौन है भारत के राष्ट्रपति अपवाद है कि नहीं है तो ये एक प्रकार के एक्सेप्शन थे एक प्रकार के अपवाद थे लेकिन अब पहली बार मोहम्मद बिन तुगलक उलेमाओं के ऊपर भी दंड का प्रावधान कर दिया ये आपको समझ में आ गया हो होगा देखो ये ये मैं आपको एक बात बताता हूँ आप किसी भी टीचर का वीडियो देखिए कोई भी टीचर से आप पढ़िए ये बड़ी बात नहीं है बताना कि इसके बाद में ये शासक बन गया ठीक है कि भाई जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी आ गया ये बता देना कि गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आ गया फिर फिरोज तुगलक आ गया ये बड़ी बात नहीं है बड़ी बात है हमें शासन व्यवस्था समझ में आनी चाहिए हमें यह समझ में आना चाहिए कि कोई भी पद था तो क्यों था उसका क्यों बनाया गया सृजन क्यों किया गया उस पद से क्या लाभ थे उस पद के पीछे क्या उद्देश्य थे और वो सारी चीज़ें आपको ये समझ में आनी चाहिए कि शासन कैसे चलाया जाता था दिल्ली सल्तनत के बारे में सब बता देंगे आपको कि दिल्ली सल्तनत में कैसे कुतुबुद्दीन एबक आया एलतुतमिश आया रजिया सुल्ताना इ बल आया ये बड़ी बात नहीं शासन व्यवस्था को समझिएगा यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और बच्चे ये नहीं समझ पाते वो रटते रहते हैं कि इसके बाद वो आया उसके बाद वो आया बस ऐसे काम नहीं चलेगा अगला जो यहां पर समझने वाली बात है उत्तराधिकार का नियम उत्तराधिकार का तो उत्तराधिकार का नियम कुछ ऐसा था कि यह तय नहीं था कि अगर कोई मर जाए सुल्तान तो उसका उत्तराधिकारी उसका बड़ा बेटा ही बने बल्कि इल्तुतमिश ने तो अपनी पुत्री को रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बना दिया तो सल्तनत काल के बारे में एक पॉइंट और ये करिएगा कि यहाँ पर उत्तराधिकार का नियम स्पष्ट नहीं था होना क्या चाहिए सुल्तान के मरने के बाद उसका जो बड़ा बेटा हो वो गद्दी पर बैठे कई बार बड़े बेटे की जगह दूसरे बेटे भी बैठे हैं और इल्तुतमिश ने तो बेटी को भी बिठाया है तो ये तय नहीं था कि उत्तराधिकारी कौन जो है बनेगा लेकिन ये अमीरों के ऊपर निर्भर करता था जो प्रभावशाली अमीर थे जो सरदार थे उनके ऊपर निर्भर करता था कि उत्तराधिकारी को स्वीकार करे या नहीं याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि जब इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का मन बनाया तो आपको मैंने बताया था कि उसने अमीरों को उसके लिए कन्विंस किया याद है कि नहीं याद करिए मैंने बताया था कि इल्तुतमिश ने अमीरों को तुर्कों को क्या किया इसके लिए मनाया संतुष्ट किया और फिर रजिया सुल्तान को बनाया गया था और उन्होंने क्या सोचा कि रजिया सुल्तान हमारी कठपुतली बनकर रहेगी तो उत्तराधिकारी कोई भी हो सकता था पर एक शर्त ये थी कि उसको ये अमीर जो है वो स्वीकार करे या नहीं एक एग्ज़ाम्पल तो मैंने आपको रजिया का दे दिया और दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ अलाउद्दीन खिलजी का जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन को मारा तो मैंने तब भी बताया था कि उसने पानी की तरह सोना बहाया और सभी अमीरों को अपनी तरफ कर लिया क्यों क्योंकि जब तक अमीर स्वीकार नहीं करते थे जब तक ये सरदार स्वीकार नहीं करते थे तब तक वो काम ही नहीं कर सकता था आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है ठीक है तो ऐसे उत्तराधिकारी को जिसको अमीर स्वीकार करते थे वही ज्यादा आगे बढ़ पाता था केंद्रीय प्रशासन पर बात करते हैं सल्तनत काल का केंद्रीय प्रशासन कैसा था तो सुल्तान जो है इतना बड़ा साम्राज्य हम देख रहे हैं कि दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक कोई छोटा मोटा साम्राज्य तो नहीं होता लगभग पूरा भारत आ गया आज का तो दिल्ली सल्तनत में इतना बड़ा साम्राज्य था और अकेला सुल्तान तो उसको चला नहीं सकता था उसकी सहायता के लिए उसको कुछ तो चाहिए था तो कुछ मंत्री होते थे इसकी आप लोग तुलना कर सकते हो मंत्री परिषद से जैसे आज भारत के सरकार जो है उसमें आप देखते हो कि प्रधानमंत्री की सहायता करती है उसके काम में मंत्रि परिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है तो जैसे मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री मिलकर हमारे देश का शासन चलाते हैं अकेला प्राइम मिनिस्टर कैसे चला सकता है सोचिए प्राइम मिनिस्टर अकेला वित्त विभाग संभालेगा रक्षा संभालेगा ग्रह संभालेगा विदेश संभालेगा मानव संसाधन कौन कौन से मंत्रालय अकेला संभालेगा तो इसीलिए क्या होती है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। यहां पर भी वही था कुछ भी नया नहीं है मैं आपको इसीलिए रिलेट करके बता रहा हूं कुछ भी नया नहीं है आ गया समझ में कुछ भी नया नहीं जैसे आज मंत्रिपरिषद आप देख रहे हो ना वैसे ही आप देखोगे कि सुल्तान की सहायता के लिए मंत्री होते थे और उनकी नियुक्ति स्वयं सुल्तान करता था और ये शासन में सुल्तान की सहायता करते थे इनका कार्यकाल शासक की इच्छा पर निर्भर करता था ट्रिल द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत सिद्धांत वैसे ही यहाँ भी वही है शासक की इच्छा पर निर्भर करता था वो जब तक चाहे इनको पद पर रखे हटा दे तो नियुक्त भी करता था हटा भीता इनकी संख्या अधिकार और कर्तव्य ये भी समय समय पर परिवर्तित होता रहता था ये प्रशासन था इतना बड़ा दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसे चलाया गया ऐसे ही तो चलाया गया मंत्रियों की सहायता से तेरहवीं शताब्दी के अंत तक प्रशासनिक व्यवस्था का विकास हो गया था वजीर जो है वो प्रशासन का मुख्य व्यक्ति तो एक हम जो ढांचा देखते हैं प्रशासनिक ढांचा एक एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पूरा जो सिस्टम होता है आपको एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई देता है यहां पर देखिए कि इसमें तेरहवीं शताब्दी तक प्रशासनिक व्यवस्था आ गई और वजीर प्रमुख हो गया कौन प्रमुख हो गया वजीर वजीर प्रशासन का मुख्य व्यक्ति हो गया मैंने यही बोला यही वजीर आगे जाकर मुगल काल में भी एक बड़ा पद बना तो ये यहीं से आपको समझ में आएगा कि इसका प्रभाव उस पर भी पड़ा आ रहा है समझ में कि नहीं आया चौदवीं शताब्दी में वज़ीर को राजस्व विशेषज्ञ माना जाने लगा था वो आय व्यय के एक बड़े विभाग का भी प्रधान होता था और धीरे धीरे वजीर का जो है जो पावर है जो शक्ति है वो बढ़ने लगी वो एक प्रकार से पूरा रेवेन्यू संभालने लगा मोहम्मद तुगलक राजस्व विभाग की व्यवस्था पर बहुत ध्यान देता था उसका वजीर जो था पाजा जहाँ उसको बहुत ज़्यादा दूर तक सम्मान प्राप्त था आय और व्यय की देखरेख महालेखाकार और महालेखा परीक्षक करते थे क्या ये नाम आपने नहीं सुने आपने सुना होगा भारत में कैसे भारत में कैसे आज एक सी होता है हम सब पढ़ते ना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या करता है सी भारत में आप सभी को पता है कि ऑडिट करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का जितना भी पैसा खर्चा हुआ है उसका ऑडिट कौन करता है सीएजी करता है यहां भी देखो आपकी महालेखा परीक्षक जैसा कोई पद था जो इस आय और व्यय की मतलब ये एक-एक पैसे का हिसाब रखता था और महालेखाकार एक प्रकार से मुनीम था जो पूरा अकाउंट मेंटेन करता था इसको बोलते हैं अकाउंटेंट जनरल क्या बोलते हैं अकाउंटेंट जनरल तो एक ऐसा व्यक्ति जो अकाउंट बना रहा है मेरी बात समझ में ही आपको मैं एक ऐसा एजुकेटर हूं जो आपको कोई भी चीज समझाने के लिए प्रैक्टिकल बता सकता हूं वर्तमान से जोड़कर यह मिला कि नहीं मिला आपको समझ में आया कि नहीं आया कि किस प्रकार से आज आप एक सीएजी देखते हो कि नहीं ऑडिट करने वाला ऐसा दिल्ली सल्तनत में भी एक ऑडिटर हुआ करता था एक महालेखाकार था जो क्या करता था जो हिसाब रखता था एक एक पाई पाई का हिसाब रखा जाता था आ रहा है समझ में कि नहीं क्लियर है तो एक महालेखाकार एक महालेखा परीक्षक यह भी हमें दिखाई देते हैं। दिल्ली सल्तनत में एक वजीर जिसको आजकल आप लोग फाइनेंस मिनिस्टर बोल सकते हो क्या है फाइनेंस मिनिस्टर टाइप पूरे वित्तीय विभाग पर नियंत्रण था उसका ठीक है अब इसके बाद आगे चलते फिरोज तुगलक फिरोज तुगलक के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जैसे आपने सुना होगा जजिया मैं आपको जजिया के बारे में बता दूं जजिया जो था जजिया है एक प्रकार का टैक्स कैसा टैक्स धार्मिक कर पहले तो मैं आपको जजिया के बारे में बता दूं क्योंकि जजिया आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा सुना होगा लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा कि जजिया क्या होता है तो मैं आपको बता दूं जजिया क्या है जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है किससे वसूला जाता है यह वसूला जाता है गैर इस्लामी लोगों से किससे वसूला जाता है गैर इस्लामी पहले मैं आपको बता दूं जजिया क्या है ठीक है जजिया एक गैर इस्लामी लोगों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर है अगला क्वेश्चन यह है अगला क्वेश्चन आपको यह आएगा कि जजिया जो है ठीक है एक गैर इस्लामिक कर तो है ये तो समझ में आ गया होगा धार्मिक कर ये भी समझ में आ गया होगा जजिया क्यों वसूला जाता था अगला क्वेश्चन ये है कि ये वसूला क्यों जाता था तो दरअसल वसूला इसलिए जाता था कि यदि मान जो इस्लामी राज्य के अनुसार इस्लामी कानून के अनुसार किसी इस्लामी राज्य में किसी इस्लामी राज्य में गैर इस्लामी लोगों का रहना प्रतिबंधित था गैर इस्लामी लोगों को अगर इस्लामी राज्य में रहना है और अपने धर्म का पालन करना है तो उनको बदले में एक कर देना होता था और इसी कर का नाम है जजिया ध्यान से समझो आगे समझ में इस्लामी राज्य में सिर्फ इस्लाम को मानने वालों को रहने का अधिकार है यह माना जाता था और यदि कोई गैर इस्लाम मानने वाला है जो कि इस इस्लामी राज्य में अपने धर्म का पालन करना चाहता है तो उसको जजिया देना पड़ेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा अगर वो टैक्स नहीं देगा तो अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन नहीं कर सकता धर्म का पालन नहीं कर सकता क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद भारत में भी एक इस्लामी राज्य की स्थापना हुई आ रहा है समझ में कि नहीं दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ भारत में एक इस्लामी राज्य की स्थापना हुई तो इस्लाम के अनुसार जो लोग गैर इस्लाम वाले थे उनको यहाँ रहने का अधिकार नहीं था और अगर आप रहना चाहते हैं अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ इस्लाम वालों को ही अधिकार है रहने का तो या तो आप इस्लाम को अपना लो अगर आप इस्लाम धर्म नहीं अपना रहे हो तो फिर आप जजिया टैक्स दो और अपने धर्म का पालन करते रहो इसलिए ये टैक्स लिया जाता था अब मैं आपको इसका इतिहास अगर बताऊं, तो पहले बिफोर फिरोज तुगलक ध्यान से समझना फिरोज तुगलक से पहले ठीक है फिरोज से पहले जजिया एक भू राजस्व के साथ लिया जाने वाला कर था क्या था जजिया भू राजस्व के साथ वसूला जाता था अलग से नहीं वसूला जाता था यह मानना मेरी बात समझ में आपको यह मानना कि यह कर पहले नहीं था ऐसा नहीं है यह कर भू राजस्व के साथ में जो है वसूला जाता था फिरोज तुगलक ने क्या किया इसको एक अलग टैक्स बना दिया क्या कर दिया एक अलग टैक्स बना दिया आए समझ में कि नहीं फिरोज तुगलक ने क्या कर दिया इसको एक अलग कर बना दिया है ना तो जजिया के बारे में जब भी आप पढ़ते हैं तो फिरोज़ तुगलक का जब नाम आता है तो क्या होता है कि फिरोज़ तुगलक ने जजिया को एक अलग टैक्स बना दिया देखिए आपके अपने अपने आपके अपने अपने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ सीधी सीधी बात समझा रहा हूँ जजिया एक धार्मिक कर था जो गैर इस्लामी लोगों से लिया जाता था यहाँ तक क्लियर है और क्यों लिया जाता था ये भी क्लियर है क्योंकि जो लोग इस्लाम के अनुसार जो मान्यता थी उसमें कि जो गैर इस्लामी लोग हैं उनको अगर वहां पर इस्लामी राज्य में अपने धर्म के पालन करना है तो उनको ये टैक्स देना पड़ेगा ये वही प्रकार का धार्मिक कथ ठीक है अब आपने कई बार पढ़ा होगा अकबर अकबर ने जजिया को वसूलना बंद कर दिया क्यों क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अकबर एक सहिष्णु राजा था धार्मिक रूप से तो जो धार्मिक रूप से सहिष्णु था वो इस प्रकार का टैक्स नहीं लेगा इसके बाद औरंगजेब ने इसको शुरू किया और अंतिम रूप से जजिया को प्रतिबंधित कौन किया था मोहम्मद शाह रंगीला कौन किया था अंतिम रूप से जजिया को प्रतिबंधित कौन किया मोहम्मद शाह जिसकी उपाधि थी रंगीला इसको रंगीला बोला जाता है तो मोहम्मद शाह के काल में इसको अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था यहां तक आपको समझ में आ गया ठीक है ठीक है चलिए तो ये तो हो गया मैंने आपको उसका बता दिया पूरा मामला अब फिरोज के मरने के बाद खाने जहां द्वितीय द्वारा शासक निर्माता बनने के प्रयास की विफलता से वजीर पद की जो प्रतिष्ठा है वो मिट गई लेकिन मुगल काल में वजीर का पद पुनः जो है वो स्थापित हुआ फिर से क्या किया मुगल काल में इसने महत्व को प्राप्त किया है ना वजीर के पद में तो इसलिए बोल रहा था कि मुगलों से ही जुड़ेगा वजीर के बाद राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग सुनिए कौन सा था दीवाने अर्ज ये पूछा जाता है कि दीवाने अर्ज क्या था दीवाने अर्ज को बोलते हैं सैन्य विभाग दीवाने अर्ज जो है वो सबसे महत्वपूर्ण विभाग इसके बाद में था वजीर के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट सैन्य विभाग था इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आरिज मुमालिक के नाम से जाना जाता था दीवाने अर्ज क्या था दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था ठीक है और इसका प्रमुख था आरिज़े मुमालिक ये याद रखिएगा दीवाने अर्ज मतलब सैन्य विभाग और ये आरिज़े मुमालिक जो है इसका हेड हुआ करता था अलाउद्दीन ने सेना की नियमित हाजिरी पर बहुत बल दिया उसने ही घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई ये भी एक पूछा जाता है घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी उसने ही घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई थी ताकि सैनिक घटिया किस्म के घोड़े हाजरी के समय न ला सके क्योंकि अच्छे किस्म के घोड़े आए और अच्छे किस्म के घोड़ों से काम चलाया जाए सैनिक यहां कुछ गड़बड़ ना करे इसलिए उसने क्या किया इसलिए उसने घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की ठीक है प्रत्येक सैनिक कार्य का विवरण भी रखा जाता था सेना देश के विभिन्न भागों में नियुक्त की जाती थी एक शक्तिशाली सेना की टुकड़ी शासक के पास राजधानी में रहती थी बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दूरस्तक तो एक प्रकार का मार्च हम कहें कि प्रैक्टिस या जो ट्रेनिंग होती है तो ये हम लोग देखते ना समय समय पर जो प्र, हम लोग युद्धाभ्यास होता है तो सेना को कुछ करते रहना चाहिए इसलिए बलबन उनको शिकार के बहाने दूर दूर तक कई बार ले जाया जाता था दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थाई सेना थी पिछली बार मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी वो सुल्तान था जिसने नकद वेतन देना शुरू किया सेना को सबसे पहले नकद वेतन देने वाला सुल्तान कौन था सबसे पहले था अलाउद्दीन खिलजी इसी के समय में दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी सेना थी बर्नी ने माना है उसके हिसाब से लगभग तीन लाख सैनिक थे कितने तीन लाख सैनिक इसकी सेना में थे ऐसा बर्नी का बहुत ज्यादा होता है अतिशयोक्ति लगती है लेकिन ऐसा बर्नी का मानना है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण है क्योंकि इतना नहीं हो सकता अलाउद्दीन ही पहला सुल्तान था जो सेना को नकद वेतन देता था यह मैंने आपको कल भी बताया था इसके पहले तुर्की सैनिकों को वेतन भुगतान के लिए दुआब में गांव दिए जाते थे ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अब इनको नकद वेतन दिया जाने लगा किंतु अलाउद्दीन ने इस प्रथा को अपने एक आदेश से रद्द कर दिया और प्रत्येक सैनिक को वो 238 टके और दो घोड़े रखने वाले सैनिक को अठहत्तर टके अधिक देता था तो ये शुरुआत भी अलाउद्दीन ने खिलजी खिल ने की और उसी ने जो है अपने आदेश से इसको रद्द भी कर दिया बाद में दक्कन विजय के साथ साथ मंगोलों के आक्रमण को रोकने में सफलता जो उसने पाई इसका सबसे बड़ा कारण था अलाउद्दीन की सैन्य क्षमता हम अलाउद्दीन खिलजी पढ़ रहे थे तब मैंने आपको दो बात बताई थी अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत तेजी से दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया यह तो आपको क्लियर हो गई तो एक तो उसने सल्तनत का विस्तार भी किया नीचे दक्कन तक और दूसरा मंगोलों से अपने आक्रमणों से रक्षा भी की अपने राज्य की यह क्यों कर पाया अलाउद्दीन ऐसा वो इसलिए कर पाया क्योंकि उसके पास में एक बड़ी और अच्छी प्रशिक्षित सेना हुआ करती थी राज्य के एक विभाग के बारे में तो मैंने बताया दीवाने अर्ज दो और अन्य विभाग थे दीवाने रियासत और दीवाने इंशा नाम नोट करते जाना साथ साथ एक नाम क्या है एक नाम है दीवाने रियासत और दूसरा नाम है दीवाने इंशा ये दो और नाम आप इसमें जो दीवाने रियासत है ना ये धार्मिक मामलों में पवित्र स्थानों में योग्य विद्वानों में धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था एक प्रकार से स्कॉलरशिप बोलिएगा दान बोलिएगा तो ये दीवाने रियासत था जो धार्मिक विभाग और ऐसे सभी मामलों में वजीफा दिया करता था इसका जो प्रमुख अध्यक्ष था वो सदर होता था कौन होता था सदर हम बात कर रहे हैं दीवाने रियासत कई बार ये क्वेश्चन आते हैं दिल्ली सल्तनत के अलग अलग विभागों से दीवाने अर्ज के अलावा दीवाने रियासत क्या होता है दीवाने इंशा क्या होता है ऐसे क्वेश्चन कई बार आते रहते हैं ठीक है ना तो दीवाने रियासत मैंने बता दिया धार्मिक मामलों और दूसरे मामलों में ये लोगों को एक प्रकार से वजीफा स्कॉलरशिप या दान टाइप दिया करता था और इसका प्रमुख होता था सदर साधारणतः जो प्रधान काजी होता था ठीक है सदर ही साधारणतः कौन होता था प्रधान काजी काजी शब्द आपने सुना होगा एक प्रकार से न्यायाधीश था ये न्याय करता था काजी तो यही प्रधान काजी होता था जो मुख्य काजी था वो न्याय विभाग का अध्यक्ष भी होता था एक प्रकार का न्यायाधीश होता था ये वैयक्तिक हिंदी हिंदी जो विधि है हिंदुओं पर लागू किया जाता था पर्सनल लॉ ठीक है पर्सनल लॉस को हिंदुओं पर लागू किया जाता था इसके आधार पर गांव में पंचायत और नगरों में विभिन्न जातियों के मुखिया निर्णय करते थे तो जो हिंदू ये तो हम अंग्रेज़ों के काल में जाके पढ़ते हैं कि कानून आए अंग्रेजों के काल में हम लोग पढ़ते हैं कि आई आ गई इंडियन पेनल कोड आ गया वो अंग्रेज थे जिन्होंने भारत में विधि के शासन को विधि के समक्ष समता को लागू किया पहले ऐसा नहीं था हिंदुओं के अलग कानून होते थे मुस्लिमों के अलग कानून होते थे मुस्लिमों के कानूनों के लिए ठीक है उनके जो भी था वो शरीयत आदि के आधार पर काजी वगैरह उस पर निर्णय देते थे हिंदुओं के इसमें जो गांव में पंचायत थी या विभिन्न जाति के मुखिया हुआ करते जिनको पंच कहते थे आमतौर पर ये लोग निर्णय किया करते थे दंड विधान सुल्तान द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता था अगला विभाग जो मैंने बताया था दीवाने रियासत के अलावा दीवाने इंशा ये क्या है ये राज्य का पत्राचार विभाग है एक प्रकार से कम्युनिकेशन के लिए उस समय में पत्राचार बहुत होता था ना आपको पता है कि एक से दूसरे राज्य के बीच में सारी चीज़ें पत्राचार के माध्यम से होती थी तो दीवान इंशा जो ये विभाग है ये राज्य का पत्राचार से संबंध रखने वाला विभाग है और जितने भी सुल्तान और अन्य प्रभुता संपन्न शासकों के और कर्मचारियों के बीच में जो समस्त औपचारिक गोपनीय पत्राचार होता था वो इसके जिम्मेदारी से होता था ये उसके लिए रेस्पॉन्सिबल आज भी शासन में पत्राचार होता है आप लोगों में से जो लोग पत्रा जो जुड़े हैं ठीक है आप लोग सरकारी विभागों से जुड़े होंगे तो शासकीय पत्र होते हैं अर्ध शासकीय पत्र होते हैं ना तो पत्राचार तो आज भी होता है विभागों के बीच में तो उसी स, उस समय में भी दीवाने इंशा का यही काम था दीवाने इंशा क्या था ये ये कोई भी हो चाहे ये औपचारिक पत्र की बात हो रही है जो शासन के विभागों से जुड़ा होता है जैसे सुल्तान किसी दूसरे सुल्तान को कोई पैगाम भेज रहा है वहां से कुछ आया है ना उत्तर देना है उसका या कोई कर्मचारियों के बीच में पत्राचार हो रहा है ये सारा दीवाने इंशा के अंतर्गत होता था यहां तक समझ में आया ठीक है ये दीवाने इंशा तो क्या क्या बताया दीवाने अर्ज बताया दीवाने रियासत बताया दीवाने इंशा भी मैंने आपको बताया यहां तक भी क्लियर हो गया आपको साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों को पूर्ण जानकारी के लिए शासकों ने चतुर दूतों की नियुक्ति की थी जिन्हें बरीद कहा जाता था एक और शब्द सल्तनत काल में बरीद से क्या आशय सल्तनत काल के अंतर्गत बरीद क्या है आया समझ में बरीद बरीद जो है वो एक प्रकार की जो है गुप्त जानकारी के लिए ठीक है चतुर दूत थे जिन्हें नियुक्त किया जाता था विभिन्न भागों में ये बरीद कहलाते थे गुप्तचर हो गए एक प्रकार के इंटेलिजेंसी वाली बात है आ गया बरीद समझ में गुप्तचर टाइप के इंटेलिजेंस टाइप के लोग थे इनकी नियुक्ति की जाती थी बरीद की उस समय कि भाई कोई कहीं पर विद्रोह की योजना तो नहीं बना रहा कोई सुल्तान के खिलाफ किसी प्रकार का गड़बड़ तो नहीं कर रहा कोई भ्रष्टाचार कर रहा है ये सारी चीजें ये आपको बरीद में मिलेगा हम लोग देख चुके हैं ना पहले गूढ़ पुरुष के नाम से भी ये चलते थे प्राचीन काल में इनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था कितने लोग हैं जिन्होंने ये नाम सुना है गूढ़ पुरुष पुरुष क्या है कभी आपने शब्द सुना गुड़ पुरुष इन्हीं गुप्तचरों को किसी काल में गुड़ पुरुष कह दिया किसी काल में भरीत कह दिया आजकल ये इंटेलिजेंस के नाम से जाने जाते हैं आजकल किस नाम से जाने जाते हैं ये इंटेलिजेंस जो आईबी सुना ना इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारा आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है खुफिया ब्यूरो आजकल भी ये वही है आपके और हमारे बीच में ही बिखरे होते हैं आपके और हमारे बीच में कई सारे इंटेलिजेंस के लोग होते हैं खुफिया ब्यूरो के लोग होते हैं जो बहुत सारी जानकारी कलेक्ट करते हैं इंटेलिजेंस के लोग हमें बहुत सारी मुश्किलों से बचा लेते हैं तो आजकल ये क्या कहला रहे हैं आजकल ये लोग इंटेलिजेंस के नाम से जाने जाते हैं तो मैंने गुढ़ पुरुष पढ़ाया था आपको प्राचीन भारत वाले समय में तो बरीद क्या होता है ये तो मैंने बताया बरीद पर कौन नियुक्त कौन होता था इस पद पर कुलीन व्यक्ति ध्यान से सुनिएगा कुलीन व्यक्ति जो शासन का सबसे ज्यादा विश्वास पात्र होता था जो बहुत अच्छे कुल का हो और जिस पर भरोसा किया जा सकता हो ठीक है केवल वही व्यक्ति जो है मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त किया जाता था इसके लिए उसका कुल का अच्छा होना जरूरी है और दूसरा वो शासक का राजा सुल्तान का विश्वास पत्र पात्र होना भी जरूरी फिरोज तुगलक के बारे में एक और चीज मैंने बताया आपको कि पहले पहला शासक पहला सुल्तान जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया नोट कर लेना संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया किसका हिंदू धर्म ग्रंथों का ठीक है फिरोज तुगलक वो पहला सुल्तान था जिसने संस्कृत से संस्कृत से फारसी में क्या करवाया हालांकि उसको कट्टर मुसलमान भी माना जाता है उसने अपने आप को सच्चा मुसलमान भी बोला वो सारी चीज़ें हैं कई लोग उसको असहिष्णु मानते हैं पर एक पॉइंट है कि उसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया था और वो इसलिए कि वो हिंदू धर्म के दर्शन के बारे में चाहता था कि दूसरे लोगों को भी पता चले इस्लाम में भी कई लोगों को और दूसरे लोगों को पता चले हिंदू धर्म और दर्शन के बारे में इसीलिए इसने संस्कृत से फारसी में इनका अनुवाद करवाया उसने एक लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना की इसका नाम पी डब्ल्यू डी बोलते हैं क्या बोलते हैं पी डी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का नाम सुने हैं कभी आप लोग तो? पी डी ये डी जो है पीडब्ल्यूडी के बारे में सुना है ना आपने तो यह भी फिरोज तुगलक ने ऐसा एक अलग विभाग बनाया था जो नहरों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था आज भी हमारे यहां पर पीडब्ल्यू यही काम करता है सार्वजनिक भवनों आदि का काम करना ठीक है तो यह पीडब्ल्यू की स्थापना भी याद रखना फिरोज तुगलक ने ही की थी स्थानीय प्रशासन याद रखिए तुर्कों ने अपने जीते हुए प्रदेशों को कुछ क्षेत्रों में विभाजित किया था इसको बोलते थे इकता कई बार आपने सुना होगा इकता शब्द ये शब्द एक ऐसा है जो मध्यकाल में सल्तनत काल में बार बार आता है इक्ता इक्तेदार तो इन्होंने अपने जीते हुए क्षेत्र को कई सारे भागों में बांटा था ठीक है इसको कहते थे एकता उस क्षेत्र को एकता का एक प्रकार का भू टुकड़ा भूमि का टुकड़ा इन क्षेत्रों का उन्होंने अपने अग्रगण्य तुर्की सरदारों के बीच विभाजन कर दिया चूंकि ये ये जो सरदार थे इनके पास में ये होता था इलाका क्षेत्र तो धीरे धीरे ये शक्तिशाली हो जाते थे कई बार ये विद्रोह कर देते थे कई बार ये स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया करते थे यही सरदार जिनके पास में एकता हुआ करता था इन प्रदेशों के अधिकारी मुक्ति या बाली कहलाए कालांतर में इन्हीं को प्रांत या सूबा जो है कहले ल, बन कहलाने बन गए यही लोग कहलाने लगे यही वाला इलाका मुक्ति एकता ही आगे जाके क्या बन गया एकता ही आगे जाके क्या बना प्रांत या सूबा हम बात करते सूबा का एक प्रमुख होता है सूबेदार होता है कि नहीं होता है सूबेदार तो इन्हीं इक्तों का शासक जो है वो मुक्ति या बाली कहलाता था और इन्हीं को आगे जाके क्या बोले हम लोग प्रांत या सूबा बन गई एकता प्रारंभ में मुक्ति स्वतंत्र होते थे ये जो सरदार है जिन्हें मुक्ति बोल रहे हैं ये स्वतंत्र होते थे और उनसे अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की आशा की जाती थी अच्छा यहां तक समझ में आया कि नहीं आया जो लोग क्लास का टाइमिंग पूछ रहे हैं तो क्लास का टाइमिंग है डेली एक बजे एक बजे होता है डेली और टेलीग्राम चैनल एट द रेट चंचल कुमार शर्मा ऑफिशियल जो लोग टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ चाहते हैं नोट्स चाहते हैं और डेली सेशन की लिंक तो ऐट द रेट चंचल कुमार शर्मा ऑफिशियल नाम से आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा सर्च करिए उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी ठीक है यहां तक समझ में आया आपको उन्होंने अपने क्षेत्रों को बांटा किसमें इकता में ध्यान से समझना एकता का प्रमुख कौन कहलाया मुक्ति या बाली मुक्ति या बाली कहलाया बाद में यही एकता क्या बन गए सूबा प्रांत या सूबा कहलाए शुरुआत में ये स्वतंत्र होते थे ये जो मुक्ति है ये स्वतंत्र होते थे बाद में धीरे इनसे क्या उम्मीद की जाती थी कि ये अपने एरिया में कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखेंगे कहा जाता है कि सौ या चौरासी गांवों के समूहों की एक इकाई होती थी जो शायद परगना ही रहा होगा या इसका आधार रहा होगा परगना शब्द भी सुना होगा आपने परगना परगना शब्द सुना होगा ना आपने परगना क्या होता है कई सारे गांवों को मिलाकर हो सकता है सौ या चौरासी इसमें सौ गांव भी हो सकते हैं चौरासी गांव भी हो सकते हैं इतने गांवों को विलेजेस को मिलाकर एक परगना बना जैसे हमारे यहाँ होता है ना हमारे यहाँ पर कई सारे गांवों को मिलाकर एक तालुका बनाई जाती है एक तहसील बनाई जाती है है ना? और उस तहसील कई तहसीलों को मिलाकर एक ज़िला बनाया जाता है ज़िले को मिलाकर संभाग बनाया जाता है डिवीज़न बनाया जाता है और इनको बना मिलाकर एक एक स्टेट एक राज्य बनाया जाता है प्रांत बनाया जाता है आ रहा है समझ में कि नहीं तो ये क्या है ये दरअसल एक प्रकार के शासन की इकाई है क्या है ये इकाई जैसे सबसे छोटी इकाई हमारे यहां शासन की कौन सी गांव गांव से शुरुआत आप करी गांव गांव से ऊपर तहसील ब्लॉक या तहसील ठीक है उसके ऊपर फिर जिला मिलेगा आपको तो ये शासन की इकाई है जो शासन को एक बहुत बड़े इलाके का शासन करना मुश्किल है मान लीजिए कि कोई इलाका है जो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ इतने बड़े इलाके का शासन करना मुश्किल है तो उसको आप बांट दीजिए कुछ विभागों में अलग अलग ये हो गया ये आपने बांट दिया अब ये एक एक, एक इतना हो गया अब इतने का शासन चलाना आसान है आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है तो शासन की सुविधा के दृष्टिकोण से हम क्या करते हैं हम बांट देते हैं अलग अलग इकाइयों में एरियाज को क्षेत्रों को ठीक है ना तो यह शायद परगना का आधार रहा होगा परगने का प्रधान आमिल कहला क्या आमिल गांव में सबसे ज्यादा अधिक प्रभावशाली लोग खुद और मुकदम होते थे गांव का एक पटवारी भी होता था आप यह शब्द आपने सुना होगा पटवारी पटवारी राजस्व विभाग से जुड़ा होता है।, है ना क्या जुड़ा होता है राजस्व विभाग से जुड़ा होता है गांव लेवल पर जो आपका पट्टा होता है भूमि का है ना पटवारी शब्द सुना होगा आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होता है तो ये गांव का एक पटवारी होता था यहीं से आप लोग ये पद देख सकते हो सल्तनत काल में व्यापार और उद्योग की और व्यापारी की कैसी देखो दिल्ली सल्तनत की स्थापना से आवागमन के साधनों में वृद्धि हुई जब एक बड़ा राज्य स्थापित होता है ना तो आपस में क्या बढ़ता है संपर्क बढ़ता है ठीक है आवागमन के साधन बढ़े निश्चित रूप से हमने देखा था कि एक दिल्ली से लेकर दौलताबाद की एक सड़क बनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी कि नहीं बनाई थी दिल्ली से दौलताबाद तक की एक सड़क का निर्माण करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने याद है कि नहीं आपको मैंने कल ही बताया था तो दिल्ली सल्तनत से क्या हुआ आवागमन के साधन बढ़े एक से दूसरे एरिया में संपर्क बढ़ा कनेक्टिविटी बढ़ी मुद्रा व्यवस्था जो चांदी के टके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी वो मजबूत हुई ऐसा नहीं है कि मैं देख नहीं रहा मुझे दिख रहा है यहाँ पर पता नहीं क्या चल रहा है पर मैं बार बार नहीं बोलता मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो लोग पढ़ने आते हैं वो यहाँ पढ़ते हैं दो लोग दो तरह के लोग हैं एक पढ़ने वाले जो यहाँ देख रहे हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं और एक ही जिन्हें पढ़ाई से मतलब नहीं जो टाइम पास करने आते हैं वो कमेंट बॉक्स में पाए जाते है तो जो लोग कमेंट बॉक्स में हैं मैं यही बोलूँगा कि आप अगर पढ़ने आते हैं तो यहाँ पर देखो और नहीं पढ़ने आ रहे हो तो चलने दो जो चल रहा है वो आपके ऊपर में कुछ नहीं कर सकता दिस इज़ अ ओपन प्लेटफॉर्म ठीक है दिस इज़ ए ओपन प्लेटफॉर्म इसमें आप किसी को रोक नहीं सकते एक दो तो दस बीस लोग नहीं हजारों हजारों लोग हैं और ऐसे आप एक एक को ब्लॉक नहीं कर सकते तो जिसे जो करना है वो करें लेकिन यहाँ पर आप लोग अपना जो है ध्यान इसके ऊपर रखो बार बार बोलता हूँ कि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो कमेंट बॉक्स को खोलना ही नहीं ठीक है उधर जाना ही नहीं लाइव चैट से आपको क्या लेना देना क्लास तो आप यहां देख रहे हो और उसके बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जाओ या मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं उसका आंसर देने के लिए वहां जाओ तो जो चल रहा है उसको चलने दो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते कोई एडुकेटर कुछ नहीं कर सकता ये तो अपने अपनी समझ और उसकी बातें हैं तो चांदी के टके और तांबे के दिरहम ठीक है ये मुद्रा व्यवस्था उस समय क्या चलता था एक चलता था टका चांदी का और तांबे का चलता था दीहम्थ यहां तक समझ में आया इस प्रकार देश के व्यापार में निश्चित रूप से वृद्धि हुई इसके कारण नगरों की संख्या बढ़ी जब व्यापारीकरण बढ़ता है तो नगरों की संख्या बढ़ती है और नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी एक पॉइंट और तुर्कों ने कुछ दस्तकारी के नए काम शुरू किए थे उसमें एक था कागज का निर्माण भारत में कागज के निर्माण की शुरुआत ठीक है कागज के निर्माण की शुरुआत आपको तुर्क काल में सल्तनत काल में दिखेगी कागज निर्माण का कार्य चीन ने दूसरी शताब्दी में शुरू किया था सभी को पता है कि चाइना से यह स्टार्ट हुआ इसकी जानकारी अरब वासियों को पांचवीं शताब्दी में हुई और चौदहवीं शताब्दी में यह यूरोप पहुंचा तो भारत में तुर्कों ने कागज के निर्माण की शुरुआत ये नोट कर लिया आपने पॉइंट ये नोट कर लिया आपने इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात भारतीय दस्तकारों का हस्त कौशल था ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं देखो इस काल में भारतीय दस्तकारों ने और शिल्पकारों ने बहुत प्रगति की इतना बढ़िया कपड़ा बनाते थे भारत में लोग समझ में आया इतना बढ़िया कपड़ा वस्त्र बनाते थे कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी अंग्रेज जब भारत आए तो आपको पता है कि शुरुआत में भारत का कपड़ा अंग्रेजों के ब्रिटेन में बहुत बिकता था यूरोप में काफ़ी डिमांड थी वो तो एक चतुराई का प्रयोग करके ब्रिटिश ने भारत के कपड़े की डिमांड को जानबूझकर घटा दिया और उन्होंने बहुत सारे टैक्स लगा दिए और फिर उधर क्या हुआ औद्योगिक क्रांति हो गई तो हमारा ये पूरा उद्योग बर्बाद हो गया नहीं तो यहाँ आप देखो कि पहले से ही भारतीय वस्त्रों की लाल सागर और फारस की खाड़ी के देशों पे बड़ी खपत थी हमारा जो कहते हैं ना प्राचीन भारत सोने की चिड़े ऐसे नहीं बोला जाता क्योंकि हमारा व्यापार उन्नत अवस्था में अच्छा खासा व्यापार था हम बहुत काबिल और कारीगर रहे और काफी सारी चीज़ें हमारे यहाँ से बाहर जाती थी चीन में भी अच्छे किस्म के भारतीय वस्त्रों का प्रचलन हुआ मतलब यहाँ तक कि चाइना में जहाँ पे अच्छा खासा कपास होता है वहाँ भी आपको दिखेगा कि भारतीय वस्त्रों का प्रचलन हुआ था हमारे कपड़े चाइना में भी बिकते थे लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी से यूरोप तक बाद में हमारे कपड़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और बहुत मैंने आपसे कहा कि एक समय अंग्रेजों ने ब्रिटेन में भारतीय रुमाल रखने पर भी टैक्स लगा दिया जुर्माना लगा दिया था ऐसे करके भारतीय वस्त्रों की जो डिमांड है वो कम की गई थी तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ें और समझ में आ जाएगी तो आज का ये सेशन यहीं तक आप सभी लोग अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर किया कीजिए अपने साथ वालों के साथ एक अच्छी चीज़ को शेयर करने में कोई बुराई नहीं है बहुत सारे व्हाट्सअप मैसेजेस वगैरह ऐसे ही शेयर कर दिया करते हैं और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म को तो 20 तारीख़ का मैंने बताया 20 अक्टूबर से ये अमाउंट बढ़ने वाला है अभी आपके पास चार पाँच दिन और हैं कल कुछ लोग समय की नज़ाकत को देखते हुए आ गए आप लोग भी आ जाइए और फाउंडेशन बैच तो चल ही रहा है पॉलिटी और आईआर का मेरा प्लस पर इस समय मैं आपको पॉलिटी और आईआर पढ़ा रहा हूँ फाउंडेशन बैच 2021-22 के लिए है तो वो भी आपको मिल जाएगा और इसी फीस में आपका एडमिशन भी हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर आपको नंबर मिल जाएगा एट द रेट चंचल कुमार शर्मा ऑफिशियल ठीक है जैसे ही आप मेरे नाम से सर्च करेंगे चंचल कुमार शर्मा ऑफिशियल वैसे ही आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा वहाँ से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार का गाइडेंस आप लोगों को एग्जाम से जुड़ा हुआ चाहिए तो आप मुझे कॉल करिएगा मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं तो आप लोग इस रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं सी के एल आई वी जब भी आप अनकेडमी का कोई एडमिशन लेंगे तो ये आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट दिलवाएगा और अगर आप लोग मुझसे पर्सनली हिंदी लिटरेचर वाले पी एस आई आर वाले जुड़ना चाहते हैं तो आप इस रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं ठीक है गाइस चलिए कल मिलेंगे आर्ट एंड कल्चर कल हमारा शुक्रवार है तो कल आर्ट एंड कल्चर का सेशन होगा तो आर्ट एंड कल्चर में मिलेंगे तब तक, तक के लिए धन्यवाद सभी को बेस्ट ऑफ लक टेक केयर जय हिंद लेट्स क्रैक